गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे टाइमर, अभी हम लोग देख रहे हैं डिस्प्ले कंट्रोलर। ये डिस्प्ले कंट्रोलर जो है ये कहता क्या है? तो इसमें जो हमारा डिस्प्ले डिवाइसेज होता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, तो डिस्प्ले डिवाइस चाहे वो सीआरटी हो चाहे वो एलसीडी हो, तो इट कॉन्टेंट्स द नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू कंट्रोल द डिस्प्ले डिवाइसेज, जो कि डिस्प्ले डिवाइसेज को कंट्रोल करने के काम में आता है। अब डिस्प्ले डिवाइसेज हमारा जो भी डिस्प्ले डिवाइसेज है, डिस्प्ले डिवाइसेज मॉनिटर हमारा एक सबसे कॉमन डिस्प्ले डिवाइसेज है, सीरियल कंट्रोलर आईसी। डिस्प्ले डिवाइसेज का क्या काम है? जितने सारे डिस्प्ले डिवाइसेज होते हैं, जितने सारे डिस्प्ले कंट्रोलर का क्या वर्क है कि जितने सारे डिस्प्ले डिवाइसेज है, सारे डिस्प्ले डिवाइसेज को कंट्रोल करना ताकि वो ढंग से डिस्प्ले कर सके। मॉनिटर पर जो दिख रहा है, अभी देख रहे हैं मॉनिटर है, मॉनिटर पर जो दिख रहा है वह दिखाने का काम पहले क्या था कि टोटल का टोटल बर्डन किसके पास था? सीपीयू के पास था। तो सीपीयू को ही डिस्प्ले डिवाइस को भी कंट्रोल करना पड़ता, मतलब मॉनिटर का भी कंट्रोलिंग कौन करता था? हमारा सीपीयू ही करता था। इसीलिए सीपीयू से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये आपको सीपीयू की कंट्रोलिंग पावर जो है, सीपीयू का जो बर्डन था उस बर्डन से बचने के लिए किसके पास आया गया? डिस्प्ले कंट्रोलर के पास आया गया। क्या कहता है डिस्प्ले कंट्रोलर? इट कॉन्टेंट्स द नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू कंट्रोल द डिस्प्ले डिवाइसेज। सेवरल कंट्रोलर आईसी आर अवेलेबल, बहुत सारा कंट्रोलर आईसी उपलब्ध है मार्केट में इंटेल का। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, जैसे इंटेल 8254, इंटेल 8256, ये कुछ मोटोरोला का भी आया, अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग चाह आया था। डिस्प्ले कंट्रोलर इज ए सिंगल चिप प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, मतलब जैसे हमारा आईसी सिंगल चिप बना हुआ होता है उसी तरह डिस्प्ले कंट्रोलर भी हमारा सिंगल चिप का बना हुआ होता है। ठीक, तो कहता है डिस्प्ले कंट्रोलर इज ए सिंगल चिप प्रोग्रामेबल कंट्रोलर टू इंटरफेस रास्टर स्कैन डिस्प्ले। जो आप फिजिक्स में जाइएगा फिजिक्स का पढ़िएगा, एक्सेल स्कैन और रास्टर स्कैन, तो ये रास्टर स्कैन के लिए दिया जाता है। इट इज ए वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए, जो हम लोग ग्राफिक्स देखते हैं अभी जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, ये ग्राफिक्स जो है आपका ये वीजीए कहलाता है। कंपैटिबल डिस्प्ले कंट्रोलर फॉर ऑल माइक्रो कंप्यूटर, जितने सारे माइक्रो कंप्यूटर हमारे हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर में हमको चाहिए, तो ये आपका ही है। तथा ऑल द कलर कॉम्बिनेशन आर, जितने सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं कंट्रोल बाई कंट्रोलर, जो कि डिस्प्ले कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है। एक सीआरटी कंट्रोलर और टीएफटी कंट्रोलर पहले देखते थे, बड़ा बड़ा मॉनिटर आता था सीआरटी मॉनिटर, बड़ा बड़ा मॉनिटर आता था, अब आजकल पतला वाला मॉनिटर आ रहा है, वो क्या हुआ हमारा टीएफटी कंट्रोलर। कहता है सीआरटी कंट्रोलर यूज टू यूज फॉर सीआरटी मॉनिटर और टीएफटी कंट्रोलर यूज फॉर एलईडी और एलसीडी मॉनिटर। ये था आपका डिस्प्ले कंट्रोलर, ज्यादा कुछ है नहीं, बस शॉर्ट नोट पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर कहता क्या? डीएमए कंट्रोलर कहता है कि स्पेशली यह डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या टर्म क्या है वो जानो। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो टर्म है हमारा, ये डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ही डीएमए का यूज किया जाता है। ठीक, डायरेक्टली मेमोरी पहले क्या होता है कि देखिए हम आपको बताते हैं कि कुछ इस तरीके से हम लोग का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड पे हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारे कंप्यूटर में जो कनेक्शन है, हमारे कंप्यूटर में जो कनेक्शन रहता है हमारा कनेक्टर बना हुआ रहता है, और यही कनेक्टर जो है जब कम डिस्प्ले करना हो, जैसे हम कोई फाइल हम सेव करके रखे हैं
और उस फाइल से हमको प्रिंट आउट निकालना है। तो वो फाइल कितना है, 100 पेज का फाइल है, तो प्रिंट कहाँ निकालना है और कुछ डिवाइस पे, प्रिंट कहाँ निकालनी है और कुछ डिवाइस पे, और फाइल पड़ा हुआ कहाँ है, मेमोरी में। तो क्या करेगा, मेमोरी से एक पेज को उठाएगा, फिर आउटपुट पर डालेगा, फिर दूसरा पेज उठाएगा, तीसरा पेज उठाएगा, चौथा पेज उठाएगा, फिर पांचवा पेज उठाएगा। तो जब तक हमारा क्या बोले कि जब तक टोटल पेज प्रिंट नहीं होगा, तब तक प्रोसेस में फंसा हुआ है, समझ में आ रहा। हमने क्या बताया आपको कि हमको 100 पेज प्रिंट करना है और वो फाइल पहले से बनाकर हम कहां सेव कर देते हुए मेमोरी में। तो कनेक्शन तो कुछ ऐसा है, मेमोरी से एक पेज उठेगा, प्रिंटर पर जाएगा, दूसरा पेज उठेगा, तीसरा पेज उठेगा, चौथा पेज उठेगा। जब तक 100 पेज नहीं प्रिंट होगा तो सीपीयू क्या हुआ, तो प्रिंट करने में ही इन्वॉल्व हो गया। तो सीपीयू का जो अपना पावर है, सीपीयू का जो अपना क्या काम है, सीपीयू का प्रोसेस करना, वो प्रोसेसिंग से भटक गया। सीपीयू क्या हुआ, प्रोसेसिंग से भटक गया। इसीलिए हमारे पास एक डीएमए कंट्रोलर लगाया गया, बाद में कहा गया कि एक डीएमए कंट्रोलर लगाया गया, डाटा को उठाकर मेमोरी के इस लोकेशन से डाटा को उठाकर प्रिंटर पर प्रिंट कराना, और सीपीयू क्या हो गया उसके बाद फ्री हो गया। अब वो सारा बर्डन किसके पास आ गया, डीएमए के पास आ गया, नामी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पे ये एक एक डाटा को उठाकर एक पेज को उठाकर प्रिंट करता रहेगा, और सीपीयू क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब सीपीयू को और जो काम करना है वो सीपीयू काम करेगा। यही चीज हमारा कहलाता है डीएमए कंट्रोलर। तो देखिए क्या कहते हैं, इट स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए कंट्रोलर यूज फॉर ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी और वाइस वर्सा। मतलब फिर मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस पर विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू, मतलब बिना सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट का, और विदाउट गोइंग थ्रू द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब डाटा इधर से ट्रांसफर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर होकर डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ। द सीपीयू डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर, इस टाइप का डाटा ट्रांसफर में सीपीयू पार्टिसिपेटर नहीं करता। कहता दिस स्कीम इज यूज व्हेन बल्क डेटा आर टू बी ट्रांसफर, कहता जब एक पेज ट्रांसफर करना हो तो इसी पे चला जाएगा, लेकिन जब ज्यादा अमाउंट का डाटा, बल्क अमाउंट का डाटा हमको ट्रांसफर करना हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तब हमको डीएमए कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती है। कहता इफ बल्क डेटा आर ट्रांसफर, इफ बल्क डेटा आर ट्रांसफर टू माइक्रो प्रोसेसर, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफी ज्यादा समय लग जाएगा इस प्रोसेस करने में। इसीलिए द माइक्रो प्रोसेसर होल्ड्स ऑन व्हेन डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूजिंग डीएमए टेक्निक। इनपुट आउटपुट डिवाइस डीएमए टेक्निक डाटा ट्रांसफर सेंड्स अ होल्ड सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर, जब इस रूप से होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को एक होल्ड सिग्नल भेजता है, हैविंग रिसीव्ड अ होल्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू मेमोरी गिव्स अप द कंट्रोल ऑफ द बसेज एज सून एज द करेंट साइकिल इज कंप्लीटेड, जब तक वो काम नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक काम आपका चलता रहता है। When data are being transferred from input output device to memory or vice versa using DMA technique, the microprocessor is not doing anything and it is in hold state. Microprocessor hold state में चला गया, मतलब इधर उसको कोई बिजी नहीं रहेगा। और अगर microprocessor फिर और कोई काम microprocessor से होना है तो वो काम आपका होता रहेगा, ये आपका इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे यही चीज कहता है कि मेन इसका यही वर्क है, उसी को आपको यहाँ लिखा गया है, इसको आप तो नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वही चीज है डीएमए कंट्रोलर, बस डीएमए कंट्रोलर का क्या काम है कि डेटा को ट्रांसफर करना विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू। जब ज्यादा अमाउंट का डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, डीएमए कंट्रोलर का। इसको आप तो नोट कर लीजिएगा, दिखा रहे एक स्क्रीन ये है, यहाँ लिखा हुआ है नोट, और उसके बाद कुछ नोट्स आपको यहां ठीक।